एक्स वाई और जेड एक फर्म में साझेदार हैं, इनका चिट्ठा दिया गया है जिसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ पर चिट्ठे के दायित्व तो साइड में लेनदार 34,000 के हैं, साथ में पूंजी दी गई है एक्स वाई और जेड की, लेनदार 34,000 के हैं, साथ में पूंजी दी गई है एक्स वाई और जेड की 1,20,000, 90,000 और 60,000। कैश हम यहाँ पर देखते हैं 25,000 का है, डेटर 62,000 के हैं, स्टॉक 37,000 का है, टूल्स है 8,000 के, कार है 12,000 की, मशीनरी है 60,000 की और बिल्डिंग है 1,00,000 की। जो एडजस्टमेंट दिए गए हैं उनमें हम देखते हैं कि साझेदारी संलेख में साझेदारों के मध्य लाभ का जो विभाजन है वो है 3:2:1। यहाँ पर संपत्तियों से जो वसूली हुई है उसमें स्टॉक से 40,000, मशीनरी से 78,000, कार से 25,000, उपकरण से 5,000, बिल्डिंग से 84,000 और गुडविल से 60,000 की वसूली यहाँ पर हुई है। देनदारों से 59,000 वसूल हुए हैं, क्रेडिटर से 720 छूट पर भुगतान किया गया है क्रेडिटर्स को, और एक अप्रविष्ट संपत्ति थी जिसका मूल्य 3,000 था, इसे एक्स ने 2,000 रुपये में ले ली। इन सूचनाओं के आधार पर यहाँ हमको वसूली खाता बनाना है। तो सबसे पहले जब हम वसूली खाता यानी कि रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे तो हमारा प्रोसेस क्या है कि सबसे पहले हम जो बैलेंस शीट की संपत्तियां हैं रोकड़ और बैंक शेष को छोड़कर बाकी सभी संपत्तियों को हम रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिख लेंगे। तो यहाँ हम देखते हैं रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में टू सन्ड्री एसेट्स, डेटर्स हैं 62,000 के, स्टॉक है 37,000 का, टूल्स है 8,000 का, कार है 12,000 की, मशीनरी है 60,000 की और बिल्डिंग है 1,00,000 की। तो टोटल 2,79,000 यहाँ पर एसेट्स हो गई है। उसके बाद हम देखते हैं कि लाइबिलिटी क्या क्या है, जो बाह्य दायित्व है उनको हम यहाँ पर लिखते हैं। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि लाइबिलिटी में हमारे पास सिर्फ क्रेडिटर है, तो यहाँ पर हम रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज और क्रेडिटर की एंट्री हम यहाँ पर कर लेंगे 34,000 से। फिर तीसरा जो हमारा स्टेप है वहां हम देखते हैं कि एडजस्टमेंट में संपत्तियों या दायित्वों के विक्रय या भुगतान के बारे में क्या जानकारी दी गई है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि संपत्तियों से किस प्रकार वसूली हुई है और जो वसूली की राशि है उसको हम रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय कैश के अंतर्गत लिखते जाएंगे। तो हम यहाँ पर एंट्री करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में बाय कैश, और हम यहाँ देख रहे हैं स्टॉक से 40,000, मशीनरी से 78,000, कार से 25,000, टूल से 5,000, बिल्डिंग से 84,000, गुडविल से 60,000 और डेटर से 59,000 हमको यहाँ पर वसूल हुए हैं। कुल मिलाकर जो कैश है हमारा वो वसूली वाला जो कैश है वो है 3,51,000 का, लेकिन साथ में एक एडजस्टमेंट हमने ये देखा था कि एक अप्रविष्ट संपत्ति है 3,000 की जिसको एक्स ने 2,000 में ले लिया। तो हमने देखा था, हमने अपने वीडियो में ये जाना था कि अप्रविष्ट संपत्ति यानी कि बैलेंस शीट में अगर कोई संपत्ति नहीं दी गई है लेकिन फिर भी उसके भुगतान के बारे में किसी प्रकार की जानकारी दी गई है तो उसको हमको रियलाइजेशन अकाउंट में हमको उसकी एंट्री करनी है। तो इसलिए क्योंकि ये जो संपत्ति है ये विक्रय नहीं की गई है प्रविष्ट संपत्ति, बल्कि एक देनदार एक्स ने इसको ले लिया है, तो क्योंकि यहाँ पर जनरल एंट्री पास होगी एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, इसलिए हम रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में यहाँ पर लिखेंगे बाय एक्स कैपिटल अकाउंट 2,000। अब लाइबिलिटी के पेमेंट की हम बात करते हैं तो यहाँ हम देखते हैं कि लेनदारों को 720 रुपये के छूट पर भुगतान किया गया है। क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि हमारे जो क्रेडिटर है वो 34,000 के हैं, 34,000 के क्रेडिटर को हम 720 यहाँ पर माइनस कर देते हैं, छूट दे देते हैं, तो हम उस उन क्रेडिटर्स को 33,280 रुपीज यहाँ पर पेमेंट करते हैं जिसे कि हम रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में टू कैश के अंतर्गत लिखेंगे। अब हम देखते हैं कि रियलाइजेशन अकाउंट का जो क्रेडिट टोटल है वो है 3,87,000, इसमें से जब हम डेबिट टोटल यानी 2,79,000 और 33,280 माइनस करेंगे तो हमारा जो बैलेंस बचेगा रियलाइजेशन अकाउंट का जो क्रेडिट बैलेंस आएगा वो आएगा 74,720, और इस अमाउंट को हम साझेदारी संलेख के अनुसार लाभ हानि विभाजन का जो अनुपात है यानी कि 3:2:1 इसमें हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो
यहाँ पर एक्स को मिलेगा 37,360, वाई को मिलेगा 24,906 और जेड को मिलेगा 12,454। अब यहाँ पर हमारा रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज हो जाता है। अब हम कैश अकाउंट या अब हम कैपिटल अकाउंट यहाँ पर बनाएंगे। तो जब हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो यहाँ पर जो हमारा प्रोसेस है उसमें सबसे पहले हम अपनी बैलेंस शीट का जो बैलेंस रहता है कैपिटल का उसकी एंट्री करते हैं। यानी कि यहाँ पर हम कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी बाय बैलेंस बीडी 120,000 एक्स में, 90,000 वाई में और 60,000 जेड में। और उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि क्या किसी साझेदार ने किसी संपत्ति या दायित्व को लिया था या भुगतान किया था। तो रियलाइजेशन अकाउंट में हमने देखा कि एक्स जो है उसने एक अप्रविष्ट संपत्ति को लिया था 2000 में, और वहां पर जो जनरल एंट्री है वो हुई थी एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो एक्स के कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में हम यहाँ पर टू रियलाइजेशन अकाउंट से एंट्री करेंगे, एक्स के हिस्से में जाएगा 2000। उसके बाद हम देखते हैं कि रियलाइजेशन अकाउंट का जो बैलेंस है वो हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं क्रेडिट बैलेंस है इनका, और पार्टनर अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम इस कैपिटल बैलेंस को ट्रांसफर कर देंगे, जो हो जाएगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट एक्स के हिस्से में 37,360, वाई के हिस्से में 24,906 और जेड के हिस्से में 12,454। इस तरह से ये जो कैपिटल अकाउंट है उसपे जो मैक्सिमम एंट्रीज आनी चाहिए थी वो हमने लिख ली। अब इसमें से हम बैलेंस जब निकालेंगे तो हम देखते हैं कि एक्स जो है उसका जो टोटल है वो है 1,57,360। इसमें से हम इसका डेबिट टोटल यानी 2000 माइनस करेंगे तो एक्स को जो देय राशि होगी उसको हम जिसे टू बैंक या टू कैश के अंतर्गत लिखते हैं तो यहाँ पर हम लिखेंगे टू बैंक, और एक्स को जो देय राशि होगी वो होगी 1,55,360। वाई का क्योंकि किसी प्रकार का कोई डेबिट बैलेंस नहीं है, डेबिट टोटल नहीं है, तो पूरी की पूरी क्रेडिट की राशि वहां हम ट्रांसफर कर देंगे। यहाँ हम देखते हैं कि वाई के हिस्से में जो अमाउंट थी वो टोटल अमाउंट है 1,14,906, जो कि वाई के हिस्से में डेबिट साइड में ट्रांसफर हो जाती है, यानी कि हम वाई को इतनी राशि का भुगतान कर देंगे। जेड के हिस्से में हम देखते हैं कि टोटल जो है वो है 72,454, पूरी की पूरी वो अमाउंट जो है वो हम जेड को पे कर देंगे 72,454। तो कैपिटल अकाउंट जो है वो यहाँ हमारा बनकर तैयार हो गया। अब इसके आधार पर हम कैश अकाउंट यहाँ पर बना लेंगे। तो कैश अकाउंट में जैसे कि पहले भी हमने देखा कि कैश अकाउंट के डेबिट साइड में वो सारी एंट्रीज लिख लेंगे जहां जहां से हमारे पास कैश आई है, और क्रेडिट साइड में हम उन सारी एंट्रीज को लिखते जाएंगे जहां जहां पर कैश हमने खर्च की है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि कैश अकाउंट के डेबिट साइड में हम सबसे पहले लिखेंगे टू बैलेंस, यानी कि बैलेंस शीट में हमारा जो बैलेंस था कैश का 25,000। उसके बाद हम देखते हैं कि रियलाइजेशन से हमने क्या वसूल किया। जब हमने सारी संपत्तियों को सेल किया तो हमको टोटल 1,51,000 वसूल हुए थे, वो हम कैश अकाउंट के डेबिट साइड में लिख लेंगे। फिर हम देखते हैं कि हमने क्रेडिटर का भुगतान किया था 33,280, तो क्योंकि हमने भुगतान किया था इसलिए हम इसको कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिख देंगे। और उसके बाद हमने ये जो कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर किया है, इस कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है क्योंकि हमको वो सभी पार्टनर्स को वापस करना है, क्रेडिट बैलेंस यहाँ पर आया है, तो हमको एक्स को देना है 1,55,360, ये हम लिख लेंगे, 1,14,906 वाई को दे देंगे और 72,454 हम जेड को दे देंगे। तो इस तरह से हमने सारी पेमेंट भी कर दी। अब हम कैश अकाउंट का टोटल देखते हैं तो दोनों साइड का जो टोटल है 3,76,000 ये हमको प्राप्त हो जाता है। तनु और मनु एक फर्म में साझेदार है जो लाभ हानि 5:3 के अनुपात में विभाजित करते हैं। यहाँ पर इनका जो चिट्ठा दिया गया है उसमें हम देख रहे हैं कि इनकी जो संपत्तियां हैं उसमें है कैश एट बैंक 16,000, सन्ड्री डेटर्स 55,000, स्टॉक 75,000, मोटर कार 90,000, मशीनरी 45,000, विनियोग यानी इन्वेस्टमेंट 70,000 और फीचर्स जो है वो 9,000 के हैं। लायबिलिटी साइड में हम देख रहे हैं क्रेडिटर्स है 62,000 के, बिल्स पेबल है 32,000 के, बैंक लोन 50,000, रिजर्व एंड फंड 16,000 के हैं, और इनकी कैपिटल दी गई है, तनु की कैपिटल है 1,10,000 और मनु की कैपिटल है 19,000, यानी टोटल 2 लाख इसकी फर्म की कैपिटल है और
बैलेंस शीट जो है वो 3 लाख रुपए से क्लोज होती है। यहाँ एडजस्टमेंट में बताया गया है कि तनु ने विविध देनदार के लिए और बैंक ऋण का भुगतान करने के लिए वो सहमत होती है। विविध लेनदारों ने स्टॉक स्वीकार किया, यानी कि जो क्रेडिटर थे उनको हमने कैश पेमेंट नहीं की, बदले में हमने उनको स्टॉक दे दिया और फर्म को 10,000 का भुगतान किया गया। मनु ने मशीनरी को 40,000 में लिया और बिल्स पेबल यानी देय विपत्र का 5% छूट पर भुगतान किया। मोटर कार को तनु ने 60,000 में ले लिया, विनियोग में 76,000 और पिक्चर्स में से जो है वो 4,000 वसूल हुए। यहाँ हम देखते हैं कि जो वसूली वह है वो 2200 का है। अब हमको वसूली खाता यानी कि रियलाइजेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यहाँ पर बनाना है। सबसे पहले जब हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे तो हम स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर एंट्री करते जाएंगे। तो हमारा जो फर्स्ट स्टेप होगा वो होगा कि हम देखेंगे कि हमारी जो ओल्ड बैलेंस शीट है उसमें एसेट्स की क्या स्थिति है। यहाँ हम कैश और बैंक को छोड़कर सारे एसेट्स जो है वो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में हम ट्रांसफर कर लेंगे और हम एंट्री करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में टू सन्ड्री एसेट्स, जिसके अंतर्गत आएगा सन्ड्री डेटर्स 55,000, स्टॉक 75,000, मोटर कार 90,000, मशीनरी 45,000, इन्वेस्टमेंट 70,000 और फीचर्स 9,000। टोटल जो एसेट्स है 3,45,000 बुक वैल्यू से हमने यहाँ पर एंट्री कर ली। सेकेंड जो हमारा प्रोसेस है वहां पर हम लाइबिलिटी को देखेंगे कि कौन कौन सी लाइबिलिटी बैलेंस शीट में दी गई है, उसको हम यहाँ पर नोट करेंगे। तो क्रेडिटर्स हम देख रहे हैं 62,000 के हैं, बिल्स पेबल 32,000 के हैं और एक बैंक लोन है 50,000 का। ये तीन ही लाइबिलिटीज है यहाँ पर जो हम यहाँ पर लिखने के योग्य है, इसकी एंट्री हमने कर ली यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। थर्ड हमारा जो स्टेप होता है वो होता है, अब हम देखेंगे कि संपत्तियों को बेचने से क्या मिला या किसी संपत्ति को क्या किसी साझेदार ने टेक ओवर किया है। तो यहाँ एडजस्टमेंट में हम देखते हैं कि तनु एक साझेदार है जिसने विविध देनदार लिए और बैंक ऋण का भुगतान करने के लिए वो सहमत हो गई। तो क्योंकि तनु जो है वो उसने देनदारों को लिया है यानी कि एसेट्स उसने लिया है, तो यहाँ पर जो देनदारों के हिस्से की जो अमाउंट है वो हम देख रहे हैं कि 55,000 है। और साथ में अगर हम आगे एडजस्टमेंट को फिर से देखें तो हम देखते हैं कि तनु ने एक मोटर कार भी ली हुई है 60,000 में। तो क्योंकि ये दोनों ही अमाउंट उसके कैपिटल अकाउंट में चली जाएंगी और जनरल एंट्री होगी तनुज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो इस बेस पे हम रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में एंट्री करेंगे बाय तनुज कैपिटल अकाउंट और उसके अंदर हम सन्ड्री डेटर्स 55,000 के और मोटर कार 65,000 के एंट्री करेंगे और आउटर कॉलम में हम टोटल अमाउंट 1,15,000 लिखेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि तनु ने एक बैंक लोन भी पे किया है, तो बैंक लोन की एंट्री भी हम यहीं पे कर लेते हैं। हम देख रहे हैं यहाँ पर कि जो बैंक लोन है लायबिलिटी वो 50,000 की थी, तो जो तनु ने जो बैंक लोन पे किया उसके लिए उसकी जो जनरल एंट्री होगी वो होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू तनुज कैपिटल अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में हमने लिखा टू तनुज कैपिटल अकाउंट और 50,000 का जो लोन था उसकी हमने यहाँ पर एंट्री कर दी। उसके बाद हम देखते हैं कि विविध देनदारों ने स्टॉक स्वीकार किया और फर्म को 10,000 का भुगतान किया। तो हमारे जो डेटर्स थे उनके बारे में हम यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे। जो टोटल जो डेटर्स थे वो हमारे 55,000 के थे। फिर हम देखते हैं कि विविध लेनदारों ने स्टॉक स्वीकार किया और फर्म को 10,000 का भुगतान किया। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जो हमारे क्रेडिटर्स थे वो टोटल जो क्रेडिटर थे वो 62,000 के थे और इन 62,000 के बदले उनको स्टॉक दे दिया गया जो कि स्टॉक हमारा था 75,000 का। तो उन्होंने स्टॉक ले लिया और बदले में जो बैलेंस की अमाउंट आ रही थी 10,000 का उसको उन्होंने भुगतान भी किया। तो ये जो भुगतान की जो राशि है वो हम रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे क्योंकि ये यहाँ पर हमको प्राप्त हो रही है ये राशि एक्सेस अमाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम यहाँ पर लिख देंगे बाय बैंक अकाउंट और चाहे तो हम ब्रैकेट में याद रखने के लिए एक्सेस अमाउंट पेड बाय क्रेडिटर भी लिख सकते हैं 10,000। साथ में क्योंकि यहाँ पर एक पॉइंट दिया गया है कि इन्वेस्टमेंट से 76,000 और फीचर से 4,000 वसूल हुए,
तो इसकी एंट्री भी हम यहाँ पर करते चलेंगे। रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे बाय बैंक और इन्वेस्टमेंट 76,000 और फीचर्स 4,000 यानी टोटल 80,000 की यहाँ पर हम एंट्री करेंगे। बहुत सावधानी से हम यहाँ पर ये देख लेंगे अब कौन सा एडजस्टमेंट छूटता है, क्या एडजस्टमेंट बच रहा है। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो बिल्स पेबल है उसके भुगतान के बारे में जो जानकारी दी गई है वहां पर बिल्स पेबल पे 5% का डिस्काउंट देना है। तो बिल्स पेबल हम देख रहे हैं यहाँ पे कि 32,000 है, अगर हम उसमें 5% डिस्काउंट माइनस कर देते हैं तो यहाँ पर हमको 30,400 का पेमेंट यहाँ पर बनता है। और क्योंकि मनु ने उसका भुगतान किया है बिल्स पेबल का, तो इसकी जनरल एंट्री यहाँ पर हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मनुज कैपिटल अकाउंट। तो ये टू मनुज कैपिटल अकाउंट इसकी एंट्री हम रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में 30,400 से कर लेंगे। उसके बाद हमने यहाँ पर एक पॉइंट देखा कि रियलाइजेशन एक्सपेंस जो है वो 2,200 का है, और हमने ये पहले भी जाना था कि जो रियलाइजेशन एक्सपेंस की जो अमाउंट है वो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखी जाती है। तो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में टू बैंक और 2,200 की एंट्री हम यहाँ पर कर लेंगे। यहाँ पर एक चीज हम और देख रहे हैं कि मनु ने मशीनरी को 40,000 में लिया है, तो उसकी एंट्री भी हम यहाँ रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में कर लेंगे। और क्योंकि मनु एक पार्टनर है और उसने मशीनरी ली है, तो यहाँ पर हम रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में बाय मनुज कैपिटल अकाउंट 40,000 ये हम एंट्री यहाँ पर कर लेंगे। अभी तक एडजस्टमेंट में रियलाइजेशन से रिलेटेड जो एंट्री दी गई थी वो सारी एंट्री हमने यहाँ पर कर ली। अब हम इसका बैलेंस निकालेंगे। तो जब हम बैलेंस निकालेंगे तो हम देखेंगे कि डेबिट बैलेंस जो है वो ज्यादा आ रहा है, डेबिट टोटल जो है वो ज्यादा आ रहा है 4,26,600। इसमें से जब हम क्रेडिट टोटल को माइनस करते जाएंगे तो हमको जो बैलेंस मिलेगा वो होगा 37,600। अब ये क्योंकि डेबिट बैलेंस है मतलब ये लॉस है, इस लॉस को हमको पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में, पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में उनको ट्रांसफर कर देना है। तनु और मनु को ये जो 37,600 है वो 5:3 के रेशियो में हमको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, जिसमें तनु को 23,500 और मनु को 14,100 की अमाउंट मिलेगी। अब इस रियलाइजेशन अकाउंट के बेस पे हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाने का हमारा जो प्रोसेस होता है उसमें सबसे पहले जो है वो हम बैलेंस लिखते हैं। तो हम देखते हैं कि जो हमारा पुराना बैलेंस शीट है उसमें जो बैलेंस है वो है तनु के हिस्से का 1,00,000 और मनु के हिस्से का 90,000, इसकी एंट्री हम सबसे पहले करेंगे। फिर हम देखते हैं कि बैलेंस शीट पे एक रिजर्व और फंड भी दिया गया है। तो हमने पहले भी देखा था कि अगर बैलेंस शीट में किसी प्रकार का कोई रिजर्व फंड कोष है तो उसको हम कैपिटल अकाउंट बनाते समय पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं जो रेशियो दिया रहता है क्वेश्चन में उस रेशियो में। तो यहाँ पर जो रिजर्व फंड था वो 16,000 का था और इस 16,000 को हम 5:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो तनु के हिस्से में 10,000 और मनु के हिस्से में 6,000 की अमाउंट आ जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय रिजर्व फंड। उसके बाद एक एंट्री जो हम देखेंगे यहाँ पर रियलाइजेशन में, यहाँ पर तनु और मनु ने क्या क्या संपत्तियों को लिया है या फिर दायित्वों का भुगतान किया है। तो रियलाइजेशन अकाउंट को बहुत ध्यान से देखते हैं और देखते हैं कि तनु और मनु की कैपिटल अकाउंट वहां पे कहां पे प्रभावित हो रही है। तो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में हम देखते हैं कि बैंक लोन का भुगतान तनु ने किया था, वहां पर हमारी एंट्री हुई थी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू तनु कैपिटल अकाउंट। तो अब इसको तनु के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय रियलाइजेशन से इसकी एंट्री कर लेंगे 50,000। फिर हम देख रहे हैं रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में कि टू मनुज कैपिटल अकाउंट, तो हम मनु के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय रियलाइजेशन करके इसकी एंट्री कर लेंगे 30,400। इसी के अंतर्गत हम दोनों प्रविष्टियों को कर लेंगे। उसके बाद हम देखते हैं क्रेडिट साइड में, तो यहाँ पर मनु का जो कैपिटल अकाउंट था वो 40,000 से यहाँ पर इसकी प्रविष्टि की गई है मशीनरी की, तो 40,000 उसको हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में हम उसकी फिर से प्रविष्टि कर लेंगे। उसके बाद तनु ने क्या किया था, उसने डेटर्स लिया है और मोटर कार ली है, तो कुल मिलाकर 1,15,000 की उसने संपत्ति ली है, तो उसकी एंट्री हम यहाँ पर पार्टनर कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में कर लेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि रियलाइजेशन का जो लॉस हुआ है वो यहाँ पर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा 23,500 तनु के हिस्से में और 14,100 मनु के हिस्से में।
अब हम निकाल लेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि क्रेडिट जो है टोटल वो ज्यादा है, 1,70,000 है। इसमें से डेबिट टोटल को हम माइनस करेंगे तो तनु के हिस्से का जो बैंक बैलेंस है वो आएगा 31,500 और मनु के हिस्से का जो बैंक बैलेंस है वो हो जाएगा 72,300। ये जो राशि है बैलेंस की पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की, इसको हम बैलेंस ना रखकर टू बैंक या टू कैश लिखेंगे। इसका मतलब तनु और मनु को इतनी धनराशि हम वापस कर देंगे। अब इसके आधार पर हम जब बैंक अकाउंट बनाएंगे तो बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में सबसे पहले हम बैलेंस लिखेंगे, यानी कि बैंक का वो बैलेंस जो ओल्ड बैलेंस शीट में दिया हुआ है। तो यहाँ हम देखते हैं कि हमारी बैलेंस शीट में 16,000 का बैलेंस दिया हुआ है, इसकी एंट्री हम यहाँ पर कर लेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि रियलाइजेशन से जो हमको पैसे मिले थे उसमें 10,000 यहाँ पर कैश मिला था, उसकी एंट्री हम यहाँ पर कर लेंगे। जो क्रेडिटर ने हमको एक्सेस अमाउंट भुगतान की थी वो। उसके बाद हम देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट और फीचर्स के विक्रय से हमको 74,76,000 एंड 4,000 मिला था, उसकी एंट्री हम यहाँ पर कर लेंगे। खर्च क्या क्या किए थे हमने, रियलाइजेशन एक्सपेंस किए थे 2,200, ये हम क्रेडिट में एंट्री कर लेंगे। तनु और मनु को जो धनराशि हमने वापस किए हैं कैपिटल अकाउंट में वो है 31,500 और 72,300, उसकी एंट्री हम यहाँ पर कर लेंगे। तो यहाँ पर जो हमने खर्च किए और जो हमको मिला सारी एंट्रीज हम यहाँ पे बैंक अकाउंट में कर चुके हैं। अब हम इस अकाउंट को क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि बैंक अकाउंट का जो टोटल है वो दोनों साइड 1,06,000 का आता है।